आज का जो टॉपिक है वो कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। आज का जो मेरा टॉपिक है, आखिर हम बेरोजगार कब तक रहेंगे? आखिर हम बेरोजगार कब तक रहेंगे? मैं हर वो स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ जो अभी तक बेरोजगार है, पढ़े लिखे होकर भी वो लोग बेरोजगार हैं। आखिर क्यों? हम पूछते हैं आपसे, क्यों आप बेरोजगार हैं? सीजीएल 2070 में ही एग्जाम हुआ, सारा क्लियर हुआ, टायर 1, टायर 2, टायर 3, एंड अभी भी बहुत बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अरे भाई, 4 साल हो गए हैं, आपका 4 साल हो गया और अभी भी आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आखिर क्या कारण है? सीधी सी बात है, सारा का सारा कारण सरकार का है। जब शिक्षित होकर भी कुछ नहीं कर रहा, इट मींस ये सारा का सारा जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार का है। और अभी 2 दिनों से आप देख लीजिए शिक्षा में कितना पावर है। आप देख सकते हैं कि इतना पावर है कि अभी 2 दिन में पूरा क्रांति फैला दिया है शिक्षा। इट इज कॉल्ड द रियल एजुकेशन। और हमारा आज का यही टॉपिक है कि आखिर बेरोजगार कब तक? रेलवे का फॉर्म हम 2018 में ही भरे हैं, उसका अभी कुछ अता पता नहीं है। हम लोगों से 500 रुपया लिया गया कि 400 रुपया आपका रिटर्न किया जाएगा। रिटर्न किया जाएगा ठीक है, लेकिन आखिर उसका परिणाम अभी क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है बताइए? हमको जवाब चाहिए, सारे स्टूडेंट से जवाब चाहिए। और इस पर सारे अभी स्टूडेंट, अभी 2 या 3 दिन से सारे स्टूडेंट इसमें लगे हुए हैं और अब क्रांति आने वाला है। क्रांति, क्या आप कभी सोचे हैं कि यूपीएससी का जो हमारा पेपर होता है क्यों लीक नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। यूपीएससी हो गया, बहुत उसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं। और ये जो रेलवे एसएससी वाले हैं ना, ये बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। भले चेयरमैन बना दिया जाए, चाहे वट एवर ही हैज, बट दे आर नॉट अ रियल एजुकेटर। अगर रियल होते तो हम लोग आज जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे जॉब में होते। मतलब जिसने फॉर्म भरा है, जो हमारा बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है कि उसमें मेरिट है, बट वो अभी तक मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या कारण है? हमको सरकार से जवाब चाहिए और आपसे भी जवाब चाहिए, सारे स्टूडेंट से भी। और अब देखिए, जो हम लोग का रियल मतलब ये है, रियल जो अभी शिक्षित लोग हैं वो सारे अब खड़े हो गए हैं और अब क्रांति आनी ही आनी है इस देश में। अब क्रांति आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पावर। अब पॉजिटिव पावर वही सरकार में रह सकता है जो युवाओं को रोजगार देगा। आप तो कहने के लिए कह दे रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे युवा हैं, हमारा युवा देश है, और युवा सारा का सारा बेरोजगार है। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं किसी भी पार्टी का ये नहीं करता हूं, विपक्ष नहीं हूं, बट हम लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। चलिए,